हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आहूना हांडी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बिहार का फेमस रेसिपी है। चिकन आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस हांडी की खुशबू वाली चिकन खा के देखिए और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम आहूना हांडी चिकन बनाना शुरू करते हैं। हांडी चिकन बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1.25 किलो हमने चिकन लिया है। जितना हम चिकन लिए हैं उतना ही हम प्याज को काट लिए हैं, यानी कि 1.25 किलो प्याज भी हम काटे हैं। हमने 4 लहसुन के पोटी को छील के उसका पेस्ट बना लिया है। 2 इंच अदरक के टुकड़ा छील के उसी के साथ हम पेस्ट बना लिए हैं। हमने 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। इसमें हम 1/4 कप घी डाल के गरम करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिए हैं। 10 हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है। 2 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। साबुत मसाले में हम 1 बड़ा चम्मच जीरा, 10 से 12 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 पोटे हम लहसुन का डालेंगे, 12 से 15 हम काली मिर्च डालेंगे, 5 सूखी मिर्च डालेंगे, 4 हम तेज पत्ता डालेंगे, 1 चक्रफूल डालेंगे और 2 दालचीनी स्टिक डालेंगे। चिकन बनाने के लिए हमें एक मिट्टी की हांडी चाहिए और उसपे एक मिट्टी का ढक्कन भी होना चाहिए। सबसे पहले हम एक बड़े प्लेट में चिकन को ले लेंगे, साथ में हम प्याज डालेंगे। तो हमने प्याज को रफली चॉप किया है। साथ में हम धनिया पाउडर डालेंगे, तो हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो इसमें हमने कलर के लिए कश्मीरी मिर्च यूज किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। हम इसमें 2 लहसुन का फोटा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 हम दालचीनी स्टिक डालेंगे। 5 छोटी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची, जीरा, चक्रफूल, तेजपत्ती, मिर्च का हमने डंठल तोड़ लिया है तो इसमें हम सूखी मिर्च डालेंगे। तेल को हमने घी के साथ गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है तो हम इसमें अब तेल ऐड करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऐसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन पे सबकी कोटिंग हो चुकी है, प्याज लहसुन पेस्ट सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे हांडी में भरेंगे। अब हम एक मिट्टी की हांडी लेंगे और उसमें हम सारे चिकन को भरेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम चिकन उठाएंगे और आराम आराम से हांडी में भरते जाएंगे।
तो हमने चिकन को हांडी में भर दिया है। अब हम इसको गैस की तरफ ले चलेंगे। अब हम गैस की तरफ चलेंगे तो गैस पे हम मटके को शिफ्ट कर देंगे और गैस को हम ऑन करेंगे। हम इसे 10 मिनट तक तेज फ्लेम पे पकाएंगे जिससे अपना मटका और सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से हीट हो जाए, इसमें भाप बनना शुरू हो जाए, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। इस रेसिपी का सही मजा तो कोयले पे बनाने में आता है, लेकिन हम शहर में रहते हैं तो कोयला और चूल्हा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे गैस पे कुक करके बता रहे हैं। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अनोखा होता है। चिकन में भाप आना शुरू हो गया है, हम गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर लेंगे और इसे एक ढक्कन से हम कवर कर देंगे। ये मिट्टी का ही ढक्कन है और हमने थोड़ा सा आटे को गूंद लिया है। इस आटे से हम हांडी को कवर कर देंगे क्योंकि हमें तेल और प्याज के मॉइस्चर में ही इसे पकाना है, तो ऐसे हम इसे सील कर देंगे। इसका स्टीम थोड़ा भी हमें बाहर नहीं निकलने देना है। जब ये सारे मसाले, तेल, चिकन का फ्लेवर अब्सॉर्ब करेगा तो एक बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और हम एकदम स्लो गैस पे इसे 1 घंटा तक पकाएंगे। इस रेसिपी में आपको ढेर सारा पेशेंस रखना होगा और खाने में उतना ही इसकी टेस्ट उठानी है। 1 घंटा हो गया है, अपना पेशेंस पूरा हुआ। अब हम ढक्कन को खोलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको गैस दिखाना चाहूंगी कि कैसे फ्लेम पे हमने पकाया है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे ही फ्लेम पे हम स्टार्टिंग से अभी तक चिकन को पकाए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और अब हम ढक्कन को खोलेंगे तो आटे का सील हम ऐसे तोड़ेंगे और इसे खोल लेंगे। अब हम आराम से ढक्कन को हटाएंगे। अरे वाह, अब ध्यान से देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी तैयार हुआ है और इसकी खुशबू मैं तो कह नहीं सकती, आप बनाएंगे तो ही महसूस करेंगे। तो अब हम इसे चला लेंगे। तो अब हम चिकन को निकाल के बताएंगे। ऐसे हम चिकन को सर्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए कितना सुंदर कलर और इसकी मिट्टी में सोंधी सोंधी स्वाद। तो आप ध्यान से देखिए, चिकन अपना गल चुका है, ग्रेवी भी, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, फिर भी कितनी बढ़िया तैयार हुई है। तो इस टेस्ट को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आहुना हांडी चिकन बनकर तैयार है। ये रेसिपी बिहार का फेमस रेसिपी है। चिकन आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस हांडी की खुशबू वाली चिकन खा के देखिए और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज की मेरी आहुना चिकन की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।